Hi everyone, welcome again to my channel Learn with Priyanka. Today we'll be discussing another important topic, and the name of our topic is harmonization and standardization. So friends, ye topic bahut hi zyada important hai because bachche mostly confuse ho jate hain ki what is harmonization and what is standardization, and unko lagta hai ki dono ka matlab same hi hota hai. सो आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या होता है एंड स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है. बट बिफोर दिस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही समझाती हूँ कि हार्मोनाइजेशन क्या होता है एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम ये रीड करेंगे कि यहाँ क्या लिखा है. सो देखो, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो डिफरेंस और नो डाइवर्जेंस एट ऑल व्हाइल अडॉप्टिंग द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स. ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स दूसरी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं एज इट इज, दैट मीन्स एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बिना किसी चेंजेस के. ठीक है, मतलब एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को कॉपी करना, मतलब उसमें 0.1% का भी फर्क नहीं होता. ठीक है, सो वी कैन से दैट इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑल द कंट्रीज आर यूजिंग सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेम अकाउंटिंग रूल्स एंड सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बट देखो अब क्या होता है कि आपको सुन के ही लग रहा होगा कि हर कंट्री सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी, बट कैसे, राइट? अब देखो, यही तो बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज हर कंट्री का कल्चर अलग है, हर कंट्री का लीगल सिस्टम अलग है, पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, उनका सोशल सिस्टम अलग है. सो हर कंट्री सेम स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो कर सकती. वो कुछ एक्सटेंट तक स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकती है बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकती एज इट इज स्टैंडर्ड्स को, राइट? सो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को कॉपी करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना. अब इसकी प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकते, राइट? सो जब हम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि यूनिफॉर्म मैनर में, उसको हम बोलते हैं हार्मोनाइजेशन. ठीक है, सो जो स्टैंडर्डाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो हार्मोनाइजेशन होता है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. सो हम हार्मोनाइजेशन में क्या करते हैं, हम अडॉप्ट करते हैं यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं कंट्रीज के, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल एज वेल एज कंपैटिबल हो सकें. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हार्मोनाइजेशन क्या होता है एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है. अब देखो यहाँ क्या लिखा है. सो यहाँ ये लोग हमें कह रहे हैं दैट हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स स्टैंडर्डाइजेशन. ये कह रहा है कि जो हार्मोनाइजेशन होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, वो डिफरेंट होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से. ठीक है, कैसे? देखो, हार्मोनाइजेशन में क्या होता है, हार्मोनाइजेशन सेट्स लिमिट्स on how much the accounting practices can vary so that the results can be comparable. देखो, हार्मोनाइजेशन में आप अपनी लिमिट्स को क्या कर देते हो, सेट कर देते हो टू सम डिग्री ऑफ एक्सटेंट. ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्डाइजेशन प्रमोट्स यूनिफॉर्म एंड रिजिड रूल्स. अब देखो, हार्मोनाइजेशन में आप क्या करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो बट एग्जैक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर सकते. लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन में आप प्रमोट करते हो यूनिफॉर्म एंड रिजिड रूल्स, मतलब ऐसे रूल्स जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो चेंज नहीं हो सके, एंड दैट ऑल शुड अडॉप्ट एंड फॉलो. मतलब आपके एग्जैक्ट रूल्स होंगे, उनको आप क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे एंड फॉलो करोगे. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये देखो. इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव स्टैंडर्डाइजेशन. देखो, मैंने आपको वही समझा दिया था जब हम पहले पढ़ रहे थे कि स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव करना इम्पॉसिबल है. ग्लोबली देखा जाए तो आप स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव नहीं कर सकते हो. दिस इज सो बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन थॉट प्रोसेस,
प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स लॉज एक्सेट्रा. क्यों? क्योंकि देखो, मैंने आपको बताया कि थॉट प्रोसेस भी अलग होता है, प्रोसीजर्स अलग होते हैं, उनका टैक्स लॉज अलग होते हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं, उनका कल्चर अलग होता है. ठीक है, हर कंट्री का कल्चर भी अलग होता है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव करना. द हार्मोनाइजेशन प्रोसेस इज एन एफर्ट टू मिनिमाइज दीज डिफरेंसेस ऑन अ ग्लोबल लेवल. सो हार्मोनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे आप इन डिफरेंसेस को क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो. देखो वहां पे लिखा है मिनिमाइज करना, राइट? खत्म करना तो नहीं बोला ना, तो आप इससे क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो जितने भी डिफरेंसेस हैं आपके ग्लोबल लेवल पे. ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, आगे मैं आपको बताती हूँ हार्मोनाइजेशन. सो हार्मोनाइजेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द लिमिट्स टू डिग्री ऑफ वेरिएशन टू मेक अकाउंटिंग प्रैक्टिस मोर कंपेरेबल एंड रेलिवेंट. देखो यहाँ कह रहा है कि वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप फिक्स कर देते हो अपनी लिमिट्स को टू डिग्री ऑफ वेरिएशन, मतलब कुछ वेरिएशंस तक आप क्या कर देते हो, अपनी लिमिट्स को सेट कर देते हो, ताकि आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो ज़्यादा कंपेरेबल हों एंड रेलिवेंट हों. ठीक है, यहाँ पे आपकी डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल भी बन सकें एंड रेलिवेंट भी बन सकें. सो हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग द डिफरेंसेस. सो हार्मोनाइजेशन प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, आपके जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हैं, उनके डिफरेंसेस को आप मिनिमाइज करते हो, मतलब कम से कम करते हो. ख़त्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि ख़त्म तो तभी होंगे जब आप स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करोगे. ठीक है, वो सारे डिफरेंसेस, बट स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स कभी भी फॉलो नहीं कर सकते. अब फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, सो इंडिया एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो कर सकता जो US फॉलो कर रहा है. ठीक है, दिस इज़ टू मेक द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल. सो आप हार्मोनाइजेशन को फॉलो करते हो, क्यों? ताकि आपके फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं वो यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल बन सकें. आगे लिखा है, अब देखो ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है हार्मोनाइजेशन के. सो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टेबल रखना. ठीक है, उनको रेलिवेंट रखना. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हार्मोनाइजिंग एक्सरसाइज इज टू इम्प्रूव करना कंपेरेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स. जो भी आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं उनको कंपेरेबल बनाना एंड कंपैटिबल बनाना, आपके रिकॉर्ड्स को भी एंड आपकी स्टेटमेंट्स को भी क्या करना, रेलिवेंट बनाना. इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अगर मैं आज के एरा की बात करूँ, सो इट हैज़ बिकम एसेंशियल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुका है कैपिटल मार्केट में आपकी, कि एक कॉमन रिपोर्ट्स, एक कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाए. बिकॉज अगर इंडिया अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, अमेरिका अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल कि वो हर कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें एंड डिसाइड करें कि उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स चाहते हैं US में इन्वेस्ट करना, बट वो स्टैंडर्ड्स अलग अलग फॉलो कर रही हैं कंट्रीज, सो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, सो अब हार्मोनाइजेशन की वजह से अगर मैं इसके एक एडवांटेज की बात करूँ, कंपनीज जो हैं वो सिमिलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं. सो अब कोई भी कंपनी है, किसी भी कंट्री की कंपनी है, वो कहीं पर भी ऑपरेट हो जाएगी ग्लोबली, राइट? सो इसकी वजह से जो हमारी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हैं वो वाला सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो करा. आगे क्या लिखा है, कंट्रीज कैन अचीव इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली विद म्यूचुअल कॉपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. देखो अगर कॉपरेट ही नहीं करेंगी कंट्रीज एक दूसरे के साथ, सो ऑब्वियसली हार्मोनाइजेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. दे मस्ट फॉलो सिमिलर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स एंड रूल्स व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. ये कह रहे हैं कि
हार्मोनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि उनको सिमिलर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है जब वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है सिमिलर, एग्जैक्ट तो नहीं लिखा ना, सिमिलर होते उन्हीं स्टैंडर्ड से मिलते जुलते हुए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स को नहीं। जब बात आएगी एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स की तो हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करेंगे, जहां पे लिखा होगा सिमिलर वहां पे हम हार्मोनाइजेशन की बात करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क मी। यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन and I will make sure to answer them as soon as possible. And friends, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है सो आप उस टॉपिक को भी कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़, तब तक के लिए बाय बाय।